हमारे गवर्नमेंट को चूज करने का पावर किसे मिला है पब्लिक को मिला दैट जनता को मिला है सो दैट्स आवर कंट्री इज नोन एज डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्टेट ओके तो ये चीजें तो हमें पता है सो so, लर्नर्स पढ़ने वाले हैं कि इन जो पर्सन को हम करते हैं गवर्नमेंट को करते हैं जो एक पर्सन इलेक्ट करते हैं हम और आम जनता जो करती है वो कैसे करती है तो वो करती है बाय पायदी इलेक्शन उसका एक प्रोसेस होता है इलेक्शन प्रोसेस सो चैप्टर तू में पढ़ने वाले हैं डी इलेक्ट्रल प्रोसेस वेलकम बैक टू डी चैनल हाउ आर यू ऑल आई रियली हॉप्स आप सब एकदम फिट फाइन एंड होंगे

कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है और अभी पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बना था राइट इसी काम करने के लिए गवर्नमेंट बनाते हैं कैसे गवर्नमेंट है? है, है को इलेक्शन प्रोसेस तो, तो आप देखोगे कि कैसे एक दूसरे से ये को रिलेट करते हैं ओके एंड क्लास नाइन्थ के बच्चों और क्लास साइंस का चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है आपका डिस्क्रिप्शन में सो गो एंड वंस विजिटेड ओके चल सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये द इलेक्टोरल प्रोसेस بفैक्ट जॉइन टेलीग्राम चैनल शुभम जा क्लास टेन बिकॉज़ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे ओके okay? एंड जो भी नोट्स आपको अभी तक नहीं मिले वो भी मिल जाएंगे ओके okay? चल इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इलेक्शन हैव प्लेड अ मेजर रोल इन द वर्किंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी दैट मींस कि इंडिया को इंडिया की डेमोक्रेसी को रन करने के लिए ये एक मेजर रोल प्ले की है कौन इलेक्शन इलेक्शन के बगैर डेमोक्रेसी नहीं क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है फॉर द पीपल बाय द पीपल टू द पीपल सो अगर पीपल इलेक्ट नहीं करेंगे कैसे इंडिया की डेमोक्रेसी कैसे ओके सो इलेक्शन एक मेजर रोल है किसको इंडिया की डेमोक्रेसी को वर्क करने के लिए ऑल्सो इलेक्शन एंड द रिप्रेजेंटेशन आर टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन डेमोक्रेसी इलेक्शन एंड आपके रिप्रेजेंटेशन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डेमोक्रेसी के एज वी तो पीपल रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड थ्रू इलेक्शन इलेक्शन हेल्प टू ब्रिंग चेंज इन पावर थ्रू पीसफुल मीन्स दैट मींस कि एज बी ऑल नो कि एक रिप्रेजेंटेटिव को लाने के लिए एक गवर्नमेंट को लाने के लिए क्या हेल्ड की जाती है इलेक्शन हेल्ड की जाती है आम जनता की आ, प्रोसेस के थ्रू इलेक्शन की प्रोसेस के थ्रू आम जनता जिनको चाहते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए उनके थ्रू क्या हेल्ड की जाती है इलेक्शन एंड इलेक्शन के थ्रू ही सिलेक्शन होता है किसी भी रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड एक बहुत ही पावरफुल मेजर uh, प्ले किया है रोल प्ले किया है आपके पीसफुल मींस का दैट मींस ये जो आज के टाइम में इतना पीसफुली जो आपके गवर्नमेंट रन कर रहे कौन सी गवर्नमेंट आएगी ये सब का ये सब कौन करता है इलेक्शन करता है इलेक्शन होता है हमें जिससे मन वोट करने का हम उन्हें करते हैं सपोर्ट करते हैं ताकि हमारी कंट्री को अच्छे से ये गवर्न करें एंड आल्सो अच्छे से रोल प्ले करें हमारी कंट्री को डेवलप करे जिसके थ्रू हम इलेक्शन uh, में वोट करते हैं ओके डिफरेंट पोलिटिक पार्टी गॉट अपॉर्चुनिटी टू रूल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट लाइफ ऑफ सोसाइटी आल्सो चेंज दैट मीन्स कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को अपने रूल uh, करने का हर किसी को रूल करने का इजाजत दिया गया दैट मीन्स कि पार्टी में हर कोई आ सकता है पार्टी हर कोई बना सकता है ठीक है बट गवर्न कौन करेगा कंट्री को उसका डिसीजन किसके हाथ में है वो है आम जनता के हाथ में डेट इज पीपल के हाथ में है कि किसको किसको वो सत्ता में लाएंगे मतलब किसको वो गवर्नमेंट बनाएंगे किस किसके थ्रू हमारी कंट्री रन होगी ओके okay? सो so, इलेक्शन होगा इलेक्शन के थ्रू सिलेक्शन होगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं वी एक्सेप्ट दैट द रिप्रेजेंटेटिव्स वी सेलेक्ट वी सिलेक्ट शुड बी एफिशिएंट ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी एंड दे शुड रिप्रेजेंट द ओपिनियन ऑफ पीपल द इलेक्टोरल प्रोसेस शुड बी फ्री फेयर एंड रिलायबल टू इंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज मेड द प्रोविजन ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमीशन टू एडमिनिस्ट्रेट दाल से जो ऊपर का कोई भी पर्सन हो दैट इज दर्स और बॉयज एनी वन वो हमेशा चाहेगा कि हमारी कंट्री एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में हो जो इफिशियंटली वर्क करे हॉनेस्टी के साथ वर्क करे ठीक है एंड ट्रस्ट वर्दी हो और कैसा हो हैंड ट्रस्ट वर्दी हो इफिशियंट होना चाहिए हॉनेस्टी होना चाहिए एंड ऑल्सो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड आपका जो इलेक्शन हो रहा है जिसमें पर्सन एक इलेक्शन कर रहे वोट दे रहे उनमें फ्री फेयर एंड रिलायबल होना चाहिए फ्री फेयर होना चाहिए दैट मीन्स कि किसी को आप पैसा दे करके ये नहीं कहोगे कि वोट दे दो या फिर आप ये नहीं कह सकते कि आप काले हो आप वोट नहीं दे सकते आप गोरे हो आप वोट नहीं दे सकते नो फ्री फेयर फेयर एंड रिलेबल आपका क्या है Voting system है एंड ऑल्सो आपकी जितनी भी ये जो इलेक्शन हेल्ड की जाती है इसके जो हेड है वो कौन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका ये वही ये एडमिनिस्ट्रेटिव को रन करेंगे एंड इलेक्शन प्रोसेस को भी क्या करेंगे देखेंगे ठीक है तो कोई observe, अगर कोई कर रहा है तो वो है इलेक्शन ऑफ ऑफ इंडिया इलेक्शन कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटिव ओके आई होप सो यहां तक आपको समझ में आया होगा सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इलेक्शन कमीशन ऑल द इंपॉर्टेंट इलेक्शन इन आवर कंट्री जितने भी हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या फिर स्टेट लेवल जो आपके इलेक्शन है, वो पूरा का पूरा इलेक्शन uh, को क्या करती है कंडक्ट करती है जितने भी रूल्स होते हैं इलेक्शन में कि वोटिंग uh, के लिए क्या क्या रूल्स है वो पूरा का पूरा कंडक्ट कौन करती है एक इलेक्शन कमीशन ही करती है इंडिया के लेवल पे या फिर आपके स्टेट लेवल पे देर प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन फ्रॉम द

ठीक है उनके अंदर ही पूरा का पूरा रूल रेगुलेशन वही कंडक्ट करवाएंगे जितने भी आपके रिजल्ट डिक्लेरेशन हो या फिर आपका जो भी प्रोसेस हो वो कंडक्ट कौन करवाएगा आपका इलेक्शन कमिश्नर ही करवाएगा ओके यहां तक आपको समझ में आया चलिए देखते हैं इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन इज सेंट्रल टू प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन आर्टिकल 324 Of the indian constitution has established the autonomous body which consists of the chief election commissioner and two other commissioners the president appoint the election commissioner the chief election commissioner cannot remove from the post easily or on the account of any political reason this is necessary so that we preserve the independence of the election there is a separate provision made for the expensive

कमिश्नर को और बाकी दो भी हमारे क्या रहते हैं कमिश्नर रहते हैं जो कंडक्ट करवाते हैं इलेक्शन सो so, एक इलेक्शन कमिश्नर को इजिली रिमूव नहीं कर सकते हो कि वो पौल, इस पॉलिटिकल का साथ दे रहा है इसलिए हम निकाल देते हैं वो ये कर रहा है इसलिए हम निकाल देते हैं नहीं एक इलेक्शन कमिश्नर का पर्सनली उसका वोट वो दे सकता है ठीक है बट आप उसे फोर्स नहीं कर सकते कि आपने हमारे पार्टी को वोट नहीं किया इसलिए आप निकल जाओ आप ऐसा नहीं कर सकते हो इजीली को किसी को भी आप पोस्ट से नहीं निकाल सकते हो क्योंकि उसे किसने किया है? प्रेसिडेंट ने किया है पॉलिटिकल रीजन की वजह से आप उसे रिमूव नहीं कर सकते हो इट इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ये जरूरी है कि इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन को प्रिजर्व रखना चाहिए एंड ऑल्सो सेपरेट प्रोविजन हर बनता है किसमें इलेक्शन कमिश्नर के लिए और इलेक्शन कमीशन के लिए ओके समझ में आया चलो तो ये किसमें लिखा गया है इलेक्शन आर्टिकल 324 आर्टिकल 324 चलो तो इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव ए सेपरेट स्टाफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉय हेल्प इलेक्शन कमीशन टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इलेक्शन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर कमिश्नर जो है ठीक है Whoa! Uh वो डज नॉट हैव सेपरेट स्टाफ उसका कोई अपना एक सेपरेट से स्टाफ नहीं होता है ठीक है एक गवर्नमेंट ऑफिसर सी जब आप देखते हो कोई भी जब इलेक्शन होता है ठीक है आपने देखा है या नहीं देखा है आई डोंट नो बट हाँ बहुत बच्चों को ऐसा पता होगा जब आपके पापा मम्मी कहीं पे इलेक्शन जब होता है वो वोट देने के लिए जाते हैं ठीक है थीके? तो वो एक क्या होता है पता है गवर्नमेंट का बॉडीज होता है दैट मीन्स की गवर्नमेंट स्कूल होगा या फिर कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन ही होगा एंड वहां पे जितने भी आपके स्टाफ्स हैं वो कौन से होते हैं वो गवर्नमेंट के ही स्टाफ्स होते हैं पब्लिक मतलब प्राइवेटली स्टाफ्स कोई नहीं होता है वहां पे आपके गवर्नमेंट स्टाफ्स ही होते हैं ठीक है तो आपके इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सारे इन सबको क्या करते हैं इलेक्ट करते हैं ठीक है चलो फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन अब हम देखते हैं फंक्शन सबसे पहला फंक्शन जो है प्रिपेयर दी वोटर लिस्ट देखो एक बार हम इसे जरा पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं एवरी इंडियन सिटीजंस हु हैव कंप्लीटेड द 18 इयर्स ऑफ द एज हैव राइट टू वोट एक्सरसाइज टू द वोट सिटीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द एलिजिबल वोटर्स अपडेट द एग्जिस्टेंस ऑफ द वोटर लिस्ट एंड इंक्लूड द नेम ऑफ द वोटर्स इलेक्शन कमीशन हैजॉरिटी टू इशू दिटी कार्ड टू दोटर पहली बात की वोटर uh, हम वोट uh, कौन कर सकता है एक जो अठारह साल के ऊपर पहले था कि इक्कीस साल से ऊपर बट अब है एटीन ईयर से जो भी अब वोट कर सकता है एक वोटर कैसा होना चाहिए इंडियन आ, का, इंडिया का सिटीजनशिप उसके पास होना चाहिए वो इंडिया का होना चाहिए उसका वोटर वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए वोटर लिस्ट के नाम की वजह से उसे क्या करना पड़ेगा वोटर लिस्ट में अपडेट करना पड़ेगा एक वोटर लिस्ट में जब उसका नाम आएगा तब उसे क्या मिलेगा आइडेंटिटी कार्ड आइडेंटिटी कार्ड उसे मिलेगा आईसी. आप देखते होंगे आपके पेरेंट्स जब जाते होंगे इलेक्शन में वोट देने के लिए तो वो अक्सर आधार कार्ड की वजह ना आइडेंटिटी कार्ड जरूर लेके जाते होंगे क्योंकि ठीक है आधार कार्ड से आप वोट नहीं दे सकते हो आप अगर वोट दे सकते हो तो वो है आपका आइडेंटिटी कार्ड अब ये आइडेंटिटी कार्ड की इशू या फिर अथॉरिटी कौन देती है वो देती है आपकी इलेक्शन कमीशन ओके चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिसाइड टाइम टेबल एंड द प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन एक टाइम टेबल जो कब इलेक्शन हेल्ड होगा या फिर प्रोग्राम कैसे हेल्ड होगा ठीक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इलेक्शन कमीशन के पास है ठीक है इलेक्शन कमीशन कैन डिसाइड एंड कंडक्ट दिस प्रोसेस इन हाउ मेनी स्टेजेस विल इट हेल्ड कितने स्टेजेस में मतलब वोटिंग होगा कैसे होगा कहाँ पे होगा कितने स्टाफ्स आएंगे कौन से स्टाफ्स आएंगे ये सब इनका काम है ठीक है चलो थर्ड है आपका स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट दैट मीन आफ्टर दिस इलेक्शन इलेक्शन Dates are declared. Every political parties elect their candidate to consist election. Some candidate consists the election independently without the support of the political party. Con candidates of the political party as well as the independent candidate have to fill the application which includes the formation about the own self. The election commission scrutinizes all the application and allows the eligible candidate to consist the election. There you go. जब भी कोई गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी बनाती है ना तो एक पॉलिटिकल पार्टी को पहले तो अपना खुद का आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए वो सिटीजन इंडिया का होना चाहिए ठीक है उसके बाद उसको डिक्लेयर किया जाता है जब वो अपना नाम दे देता है कि हाँ मैं अब इलेक्शन में जाऊंगा इलेक्शन कंडक्ट करूंगा मतलब मैं पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहता हूँ पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ तो पहली बात उसको एक डिक्लेरेशन मिलना चाहिए कि यस अब आप कंसिस्टेंट कोई भी कैंडिडेट uh, आप बन सकते हो ठीक है आप कैंडिडेट बन सकते हो इस कॉन्सर्ट के लिए ओके okay? उसके बाद सम कैंडिडेट कंसर्स दी इलेक्शन इंडिपेंडेंटली मतलब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिनको जो पार्टी नहीं बनाते हैं वो खुद ही अपने आप लड़ने जाते हैं सेल्फ सेल्फ ओन ओन अपना बनते हैं वो कोई भी पार्टी को लेकर के इलेक्शन लड़ने नहीं जाते है. उसके बाद जाकर के वो क्या कर सकते हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन को हेल्ड कर सकते हैं ओके okay? चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं गिव रिकॉग्नाइजिंग टू द पॉलिटिकल पार्टी वी हैव हैवी मल्टीपल सिस्टम इन आवर कंट्री न्यू पार्टीज कंटिन्यू टू फॉर्म स्प्लिट इन देयर पार्टी देखो एज वी ऑल नो हमारी कंट्री में बहुत मल्टीपल पार्टीज uh, है हमें पता है ना बहुत सारा पार्टीज है बीजेपी आपके कांग्रेस देन आपके एनडीए बहुत सारी पार्टीज राइट right? तो ये बहुत सारी पार्टीज को क्या किसको अब बनाया जाए ये कैसे आए तो पहली बात जब भी कोई नई पार्टी आती है ना वो न्यू पार्टी हमेशा मतलब कोई भी आएगा तो चाहेगा ना ज्यादा दिन तक अपने सत्ता में रहू सो न्यू पार्टी कंटिन्यू टू फॉर्म मतलब हर न्यू पार्टी भी आराम से कर सकती है वो भी चाहेगी हम मतलब लॉन्ग लास्टिंग रह सके ऑल्सो स्प्लिट इन पार्टीज रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टी मतलब अगर आपके कोई भी पार्टी स्प्लिट हो रही है तो वो आपका क्या हो रहा है न्यू पार्टी भी बना सकती है ठीक है इज इलेक्शन हर एक पार्टी को इलेक्शन कमीशन के साथ पोलिटिकल uh, पार्टी में आने का इजाजत दिया जाता है रिक्वाय किया जाता है इलेक्शन कमीशन हेज राइट टू डिसऑर्गेनाइज रिकोगनाइज एनी पोलिटिकल पार्टी मतलब इलेक्शन कमीशन के पास ये पूरा हक है कि वो किसी भी पार्टी को बोल सकते हैं कि आप नहीं रह सकते हो इस यहाँ पे आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो क्योंकि वो पूरा ऑब्जर्वेशन के साथ रहते क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करवाती है इलेक्शन तो पार्टीज को भी देखेगा कौन वो देखेगा आपका इलेक्शन कमीशन द इलेक्शन कमीशन हैज टॉल्स इलेक्शन सिंबल्स टू द पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन कहती है जो भी पार्टी आप में आ रहे हो या ला रहे हो ठीक है आपका एक प्रॉपर सिंबल होना चाहिए आप बताओ कि हां ये हमारा सिंबल है इस सिंबल हमारी इस पार्टी के नाम से है ठीक है यहां तक आपको समझ में आया कि गिव रिकॉग्नाइजेशन टू दी पॉलिटिकल पार्टी चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो टू एनी रिलेटिंग इलेक्शन एक इलेक्शन कमिश्नर के पास ये हक है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है इलेक्शन के मैटर में, में तो उसे सॉल्व कौन करे इलेक्शन कमीशन ही करे तो इलेक्शन कमीशन के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी डिस्प्यूट हो रहा है झगड़े हो रहे हैं उसे सॉल्व किया जाए कुछ भी अगर होता है ना झगड़े हो जाते हैं कोई किसी के बारे में कुछ बोल रहा है पॉलिटिकल पार्टी ये कर रही है वो कर रही है जो भी कर रही है एक्स वाई जेड अगर कुछ भी करे तो उसे सॉल्व करने का, का काम किसका है इलेक्शन कमीशन का है अकॉर्डिंग टू डी डिक्लेयर एनी कैंडिडेट हैज डिस्कालीफाइड और करंक्ट रिकलेक्ट री इलेक्शन इन द पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूटनीसिबिलिटी ऑफ इलेक्शन एक इलेक्शन कमीशन के पास डिक्लेयर कर सकता है कि आप कैंडिडेट आप एक कैंडिडेट हो आपको क्या किया है डिस्कालीफाई कर गया है या फिर आप अगले साल आना इलेक्शन लड़ने के लिए ठीक है ये किस ये कौन क्या कर सकता है या किसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी है वो है आपके इलेक्शन कमीशन के पास सो so, सो so हमारे से सबसे पहले फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले इलेक्शन में वोट दिया था वो थे हमारे श्याम शरण ना श्याम शरण नागी ये हिमाचल के थे एंड ही वॉज फर्स्ट इंडियन वोटर जिन्होंने इलेक्शन में वोट किया था ठीक है तो ये आपको आ सकता है क्वेश्चन फिलिंदा ब्लैंक्स में या फिर आपको पूछा भी जा सकता है कि श्याम शरण नागी के बारे में आपको पूछ लिया जाएगा क्वेश्चंस में लाइक डिस्क्राइब करने के लिए तो आप बताओगे ओके चलो अब क्या है प्रोसेस इलेक्शन का इलेक्शन का कुछ तो प्रोसेस होगा अभी हमने फंक्शन देखा है तो प्रोसेस क्या है इलेक्शन का सबसे पहले एस्टेब्लिश होती है क्या कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले बनती है मतलब लॉ पहले सबसे पहले बनाया जाता है कि ये लॉ है इसे हम असेंबल करेंगे ठीक है सब उसके बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसके बाद को भी कोई भी अगर नॉमिनेशन कैंडिडेट है या स्क्रूटनी ऑफ द नॉमिनेशन फॉर्म तो कोई भी कैंडिडेट नॉमिनेशन अपना नाम दे सकता है फिर काउंट किया जाता है इलेक्शन का फिर उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन फिर उसके बाद जो इलेक्शन के रिगार्डिंग जो भी री सोल्यूशन होता है कि क्या सोल्यूशन है अगर ये पॉलिटिकल पार्टी आई है या कुछ इससे गड़बड़ हो रहा है या फिर सही से चल रही है उसका कुछ एक प्रॉपर मैनर होता है वो सारी चीजें फिर होती है वो हम कहते हैं ना बाद में जाके ओथ लिया ओथ लिया जाता है शपथ लिया जाता है वो होता है सबसे लास्ट में ठीक है चलो या करा इलेक्शन प्रोसेस इसे याद रखना ओके नेक्स्ट टॉपिक इज रिक स्ट्रक्टरिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखो एक बात तुम लोग जान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं होता है कि अच्छा जो बन गया वो बन गया ठीक है मतलब दी एंड वाला नहीं होता है क्या कि ओके अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया वो हमेशा के लिए यही रहेगा नहीं ये टाइम टू टाइम क्या होता है चेंज होते रहता है एज पर पीपल डिमांड या फिर अगर कोई भी इन्वॉर्मेंटली uh, कोई भी चीज सोशली चेंज हो रहा है तो एज पर उसके क्या होते रहती है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होते रहती लॉ चेंज होते रहती So, अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का रिक टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा लोकसभा में आपके टोटल मेंबर होते हैं 553 याद रखना तो लोकसभा में आपके टोटल नंबर होते हैं 553 आल्सो

लोकसभा के जो मेंबर होते हैं ना ठीक है वो 553 मेंबर होते हैं अब तुम लोग ये आंसर मुझे कमेंट में दोगे हाउ आर दिस मेंबर इलेक्टेड कैसे ये इलेक्ट होते हैं तुम लोग काफी न्यूज़ेस देखते हो गए राज्यसभा लोकसभा तो कमेंट में जरूर बताना वैसे ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है कैसे लोकसभा के मेंबर इलेक्ट होते हैं बट तुम लोग को अगर पता होगा तो प्लीज कॉमेंट में जरूर बताना ठीक है सेकेंड थिंग इज एक जब इलेक्शन होता है ना तो उसमें कहा जाता है कि एक कोई भी मेंबर आपके में होनी चाहिए मतलब आपके कोई भी लोकसभा में होनी चाहिए ठीक है तो 553 जो मेंबर होते हैं वो क्रिएट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन उसका उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो सारे लोग मिलकर के क्या बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं एंड ऑल्सो डिलिमिटेशन उनका है कमीशन

ओके okay, तो इलेक्शन कमीशन के पास एक डिलिमिटेशन होती है कुछ लिमिटेशंस उनके पास भी होती है कि वो स्कैम अगर हो रहा हो तो वो देखे ठीक है वो ये नहीं कि भाई स्कैम की वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहे हैं चेंज किए जा रहे हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो स्कैम हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए चल वट कोड ऑफ कंडक्ट ये सी शॉर्ट फॉर्म में से कहते सीओसी कोड कोड ऑफ कंडक्ट ये क्या है चुनवे टू इंश्योर द फ्री एंड द फेयर इलेक्शन ऑफ इंडिया द इलेक्शन कमीशन हैज अडॉप्टेड सेवरल मेजर्स ये जो इलेक्शन कमिश्नर जितने भी हैं एक ही इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, बाकी कमिश्नर होते हैं तो ये जो इलेक्शन कमीशन जो होता है ना और ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है ये इसने देखा कि भाई देखो इलेक्शन में काफी घोटाला हो रहा है ठीक है लोगों को वोट करने नहीं दिया जा रहा है तो इन्होंने निकाला फ्री एंड फेयर इलेक्शन मतलब इंडिया में कैसा होगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप किसी को पैसे देकर वोट नहीं ले सकते हो एंड ऑल्सो आप किसी को जज नहीं कर सकते हो कि यस यू कैन गिव दी वोट कंडक्ट इज वन ऑफ द मेजर एडोप्टेड बाई द इलेक्शन कमीशन ये सबसे बड़ा एक मेजर रोल था एंड मेजर एडोप्शन था किसका इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट दिखोड गवर्नमेंट पोलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग गवर्नमेंट एक ऑलरेडी गवर्नमेंट है पार्टी अगर उनकी ऑलरेडी है तो वो भी ये काम नहीं कर सकते कि हम पैसे देकर के मतलब तो हम पैसे देकर के क्या करेंगे वोट ले लेंगे अनफेयर करके वोट ले लेंगे नहीं वो ये काम नहीं कर सकते हैं ठीक है थीके? तो अगर कोई भी गवर्नमेंट हो पॉलिटिकल पार्टी हो एक वोटर भी एक दूसरे वोटर को नहीं कह सकता कि आप आ, काले हो इसकी वजह से आप नहीं दे सकते हो वोट आप गोरे हो इसलिए नहीं, नहीं दे सकते आप छोटे हो इसलिए नहीं दे सकते मतलब कोई भी किसी को जज नहीं कर सकता है बिफोर इलेक्शन ड्यू टू दि स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट इन द फर्स्ट फ्यू इलेक्शन कॉमन वोटर्स मतलब पहले ना लोगों को ये था फ्री एंड फेयर वाला ठीक है जब आप पढ़ोगे आपने पढ़ा होगा मॉडर्न पीरियड में किंग जब थे तो किंग के टाइम में रहता था, था कि नहीं इन्हीं को राजा बनाना है ठीक है तो उस टाइम में ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट वाला सीन नहीं था बट बाद में जाके आया तो अब लोगों के लोगों का भी फियर एक दूर हुआ है कि यस हमारे पास भी क्या है भाई एक फ्री एंड फेयर का ऑप्शन है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं वोट कर सकते हैं ओके

कहा गया है कि फ्री ऑफ फ्री एंड फेयर होना चाहिए वॉयलेंस ड्यूरिंग द इलेक्शन अगर ऐसा हो रहा है तो भाई वॉयलेंस हो सकता है वहां पे ऐसे दंगे हो सकते हैं नेक्स्ट इज फैमिली मोनोपोली इज इन द पॉलिटिक्स मतलब फिर यही हो जाएगा कि अगर उसके पापा पॉलिटिक्स में थे तो वो उसका बच्चा भी फिर पॉलिटिक्स में आएगा ठीक है अगर उसका आज उसका बच्चा नेक्स्ट जनरेशन आ गया तो उसके नेक्स्ट जनरेशन फिर से आएंगे तो ये एक मोनोपोली चलती रहेगी मतलब एक क्षेत्र राज चलते रहे ठीक है चलो अब देखते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रल प्रोसेस अब इसका प्रोसेस क्या है इलेक्ट्रल का फिफ्टी कैंडिडेट कैंडिडेट शुड गिव गिवन टू दी वुमेन कैंडिडेट मतलब पचास परसेंट uh, किया किसको दिया जाता है वुमेन कैंडिडेट को भी दिया जाता है ठीक है गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस गवर्नमेंट को हमेशा केयर करना चाहिए कि कितने इलेक्शन में खर्चे हो रहे हैं पॉलिटिकल मिसयूज नहीं होना चाहिए पैसे का पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट गिव एनी कैंडिडेट टू कैंडिडेट है क्रिमिनल से उसे आप कभी भी एक candidate नहीं बना सकते हो ठीक है पॉलिटिकल पार्टी में रिप्रेजेंटेशन टू दीपल दिन शुड बी अमेंडेड नीड अगर किसी को राइज है अगर हट गई है पार्टी या रिप्रेजेंटेशन एक्ट हो रहा है पीपल का अगर उस टाइम में पार्टी नहीं है तो वो फिर क्विक uh, हो सकता है आपका इलेक्शन ऐसा लिखा गया था इन 1951 में ठीक है शुड अमेंडेड वेन नीड अराइसिस चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है देखते हुए आज के टाइम में आप जाते होंगे जब भी इलेक्शन में या फिर वोटिंग के लिए आप तो नए पैसे नहीं दे सकते हो आपके पेरेंट्स जाते होंगे या फिर आपके जो एल्डर ब्रदर सिस्टर है वो जाते होंगे तो देखते होंगे आप वो वो एक मशीन मशीन रहता है के थ्रू लोग क्या करते हैं वोटिंग करते हैं तो ये क्या है ईवीएम इट्स इसका फुल फॉर्म क्या है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम मैं लिख क्या यहाँ पे एक मिनट इलेक्ट्रॉनिक Voting machine. Okay. सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम इसका एडवांटेज क्या है वोटिंग में वोट करने तो लोग ऐसे भी जा सकते हैं किसी को भी दे सकते हैं बट इसका एडवांटेजेस क्या है पहला एडवांटेज है कि वोटिंग करने के टाइम में आपको इजी हो जाता है ठीक है सबसे पहला जो एग्जांपल है इजी होता है हर किसी के लिए भी इजी हो सकता है बट एक जो डिसेबल आदमी है जो लिख नहीं सकता या फिर पेन से टिक नहीं कर सकता उसके लिए काफी इजी है ऐसे वोटिंग वोट देना चाहकर बस क्लिक करना है ठीक है वो अगर किसी को कह रहे हैं मुझे क्लिक करना है तो वो वो भी उनका हेल्प कर सकते हैं नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इनवायरमेंट का प्रोटेक्शन हो रहा है ओके देन द थर्ड एडवांटेज ऑफ ईवीएम इज अर्ली डी क्लेन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट वरना जाकर पेपर खोलो फिर देखो भाई गिनते बैठो वोटिंग को ऐसा काउंट करते बैठो कितनी वोटिंग है बट इलेक्ट्र जब से ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आ, मशीन आया ना फटाक से क्या होता है वोटिंग का रिजल्ट आ जाता है इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है लाइव रिजल्ट आता है हम देखते हैं न्यूज में नेक्स्ट इज ऑप्शन ऑफ एनओटीए एनओटीए का भी ऑप्शन आता है मतलब हमें किसी को भी वोट देना नहीं है ये भी ऑप्शन है वहां पे ठीक है चलो नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आता है वी वी आ, वी वी आपका क्या है ये आपका वोटर वेरीफाइडिट्रायल मतलब अगर आप वोट देने जाते हो एंड वहां पे पता चला कि आपका जो वोटर कार्ड है वो किसी और का है और आप उसके नाम पे आ गए वोटिंग देने के लिए तो ऐसा नहीं होता है ठीक है फिर आपको वो इलीगली आप चले गए हो वोट देने के लिए आपके ऊपर भी कुछ

आप दोबारा तिबारा जागर नहीं दे सकते हो ठीक है चलो तो यहाँ पे आपका होता है ये आसान सा चैप्टर कंप्लीट द इलेक्ट्रल प्रोसेस अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और ये क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है कमेंट में तो जरूर देना सो द कॉन्स्टिट्यूशन आर क्रिएटेड बाय द डैश कमिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन सिलेक्शन डिलिमिटेशन वोटिंग एंड टाइम टेबल नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्शन हेल्ड बिफोर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दर्म इज नोन एज डैस इलेक्शन जनरल इमरजेंसी मिड टर्म स्टेट असेंबली यहाँ पे आपका चैप्टर होता है समाप्त और मैं ऐसा मानती हूँ मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो सेकेंड जो आपका फर्स्ट या फर्स्ट सेमिस्ट यूनिट जो आपका अभी चल रहा है ठीक है इसका ऑलमोस्ट हम लोग ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है दैट मीनस की अपने जोग्राफी का चैप्टर नंबर वन तो फिल्म विजिट में कुछ ऐसा है नहीं बट चैप्टर नंबर टू एंड थ्री हमने देख लिया है सिविक्स का चैप्टर नंबर टू एंड वन एंड टू हमने देख लिया है आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर वन टू एंड थ्री हमने देख लिया है तो नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे ओके एंड नोट्स को पढ़ने इस नोट से पढ़ने के लिए एंड आपको अगर चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना शुभम झा क्लास टेन क्लास 10 के बच्चे को क्लास 10 के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा क्लास 9th तो वाले को क्लास 9th पे ही मिलेगा अगर अभी तक आपको जो भी नहीं मिला है वो भी मिल जाएगा डोंट वरी एंड सारे uh, वीडियो का लिंक आप ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है ठीक है प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देना है और मेंशन है अच्छे से कि अच्छा ये एसएसटी का प्लेलिस्ट है हिस्ट्री जोग्राफी से जाकर के देख लो ये साइंस का है साइंस वन साइंस टू जा करके आप देख सकते हो तो ये आपके लिए इजी प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है गो एंड विजिट इट आई होप सो आपको समझ में आया होगा एंड प्लीज कॉमेंट कि आपको कैसा लगा ये वीडियो आपको कितना समझ में आया एंड अगर हो सकता अगर मुझसे भी कोई फॉल्ट हो सकती है सो सॉरी सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कमेंट में जरूर बताना नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए ठीक है सो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को विद योर हेल्प हमारा चैनल ग्रो हो रहा है एंड थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ठीक है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को भी पता नहीं है चैनल पे हमारा एस एस भी स्टार्ट हुआ है तो प्लीज उनके साथ भी आप शेयर करो थैंक यू सो मच